Students, welcome to Nandangoli September 2020, Class 7, Chapter 7. अभी तक previously हमने Chapter 6 तक complete किया था. आज हम आपको आगे का पढ़ाने जा रहे हैं Chapter 7, जिसका नाम है Congruency of Triangles. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि Chapter 6 हमने किया था Triangles. उसमें हमने काफी कुछ पढ़ा था Triangles के बारे में, kinds of triangle, per kind, angles, types, ये सब पढ़ के हम आ चुके हैं. आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आगे भी आपको बहुत काम आएगा. सो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से और अच्छी तरह से ध्यान से समझ के पढ़ें. ये आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मतलब काम में आने वाला चैप्टर है. सो डोंट वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट करते नहीं करते हुए सीधे हम चैप्टर पे आते हैं. चैप्टर का नाम है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल. एक एक वर्ड को हम थोड़ा डीपली देखते हैं. सबसे पहले ट्राइंगल को तो हम अच्छी तरह से भली भांति से बहुत अच्छी तरह से ट्राइंगल्स को जानते हैं, ठीक है. हाँ बेटा, मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना यहाँ पे, इसी पोर्शन में आ रहा है, इसलिए मैंने इस पोर्शन में कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है. ये खाली एम्प्टी है, ब्लैंक स्पेस है. अब शुरू करता हूँ मैं वापस. तो जो ट्राइंगल्स है उसके बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बट नाउ वट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर द वर्ड कॉन्ग्रुएंस. हम यहाँ एक वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस. ये कहाँ से डिराइव हुआ है? कॉन्ग्रुएंट से बना है. कॉन्ग्रुएंट से बना है. द कॉन्ग्रुएंट वर्ड मीन्स एक जैसा, सेम टू सेम, कार्बन कॉपी एज इट इज, ठीक है. नाउ इसका एग्जाम्पल है, देखिए ये दो ब्लैक पेन है मेरे पास, दोनों सेम टू सेम है, एग्जैक्ट एक दूसरे के हैं. जैसे एक को ओवरलैप कर दो तो दूसरा नहीं दिखता. इसका और बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट का. अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर रखता हूँ तो पीछे वाला नहीं दिखता, देखिए नहीं दिखेगा ना. सो दिस इज व्हाट द वर्ड कॉन्ग्रुएंट मींस. कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सेम टू सेम इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट. साइज सेम होना चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए, हर तरह से जैसे पहली फिगर है वैसे ही दूसरी फिगर भी होनी चाहिए. दिस इज व्हाट अबाउट द वर्ड कॉन्ग्रुएंट मींस. कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर वर्ड में बस इतना सा ही डिफरेंस है. सिमिलर में ये होता है कि आपको ये पेन दूसरे पेन के जैसा दिखेगा, लेकिन जरा देखिए वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा कि ये पेन थोड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ से और ये छोटा दिख रहा है, दिख रहा है ना, सेम टू सेम है लेकिन बड़े छोटे का फर्क है. यस, यही चीज होती है. इसका और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. आप लोगों ने एफिल टावर देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा, जो नहीं गए कोई बात नहीं, बट हमने टीवीज में उसको देखा है, काफी बड़ी हाइट का है, लेकिन हम उसकी कीरिंग बना के भी तो अपने चलने में रखते हैं. यस, रखते हैं ना, कीरिंग्स है, फोटोज में हमने उसको देखा है, टीवीज में हमने देखा है, किताबों में हमने एफिल टावर देखा है. अनदर मोस्ट एग्जाम्पल, ताजमहल. ताजमहल तो आगरा में वहां बना हुआ है, वो बहुत बड़ा है. अब हम छोटे छोटे उसके मॉन्यूमेंट्स बना बना के, छोटे छोटे उसकी जो फिगर्स है वैसी बना बना के लाते हैं ना, देखते हैं कोई इतना बड़ा ताजमहल लाता है, कोई इतना बड़ा लेके आता है, कहीं ना कहीं से लेके आता है. यस, कोई चौक का बना हुआ लाता है, कोई कांच का बना हुआ लाता है, वट एवर विल दे मेड, जिसका भी उनको पसंद आता है. लेकिन वो होता क्या है, एग्जैक्ट कॉपी होता है उसका. साइज में भले ही सेम ना हो बट सेम टू सेम दिखता जरूर है. यस, दिस इज सिमिलर. एज अ सेम टू सेम दिखने को सिमिलर कहते हैं, लेकिन जो शेप में, साइज में, एवरी रेस्पेक्ट में सेम टू सेम होता है उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. जैसे कि मैंने आपको अभी हथेलियों का एग्जाम्पल दिया. एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपकी 7th क्लास की बुक एनसीईआरटी की, जो आपके पास है और आप ही के फ्रेंड के पास होगी, वो सेम टू सेम होगी, एग्जैक्ट होगी. अब ये मत कहना सर उसके पेजेस गायब है, आगे पीछे पेजेस मिसिंग है, तो सर सेम गाउन. देखो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन व्हाट रेस्पेक्ट दे आर लुकिंग सेम, दे ऑक्यूपाई द एरिया इज सेम. उन्होंने जितना एरिया लिया है, जितना उनका वेट है, जितना उनका जगह वो घेरते हैं, वो सब कुछ बराबर है.
दैट इज व्हाट वी कॉल द वर्ड कॉन्ग्रुएंट. ये है हमारा वर्ड कॉन्ग्रुएंट. इसकी और बेस्ट एग्जांपल दूं, एग्जांपल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ट्विंस. ट्विंस भी बिल्कुल इसके कार्बन कॉपी होते हैं. और ऐसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. यानी अब ये कॉन्ग्रुएंसी वर्ड हम किन के अंदर ढूंढने जा रहे हैं, ट्राइंगल्स के अंदर ढूंढने जा रहे हैं. बट बिफोर गोइंग टू द ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स में जाने से पहले कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा. वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स कौन कौन सी होंगी, लेट्स स्टडी. आज के लेक्चर में आपको कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है. टोटली अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ समझाने वाली बातें बोल रहा हूँ और कुछ भी नहीं. सिर्फ समझोगे, ध्यान से सुनोगे, चैप्टर यहीं फिनिश है. पहले ही लेक्चर में चैप्टर फिनिश है. आप बिल्कुल अटक मत ना, बाद में आपको गेम लगेगा ये, यूं होगा यूं, ठीक है. बस पहले इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना और समझना अच्छी तरह से. जैसे कि मैं अब बताऊं आपको, पहले पेज से फर्स्ट पेज पे आपको स्टैंप का दे रखा है, और वो भी किनका, रामानुजन का स्टैंप दे रखा है. देखो इस दोनों स्टैंप सेम टू सेम है, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए. उसके बाद नीचे ब्लेड्स दे रखी है, दोनों सेम टू सेम. फिर बिस्किट्स सेम टू सेम. ऐसे सेकेंड एंड फोर्थ फिगर भी हैं, वो कुछ है दे रखी है, मेरे को समझ में नहीं आ रही. टॉयज वो ऐसे पेपर मान लेता हूँ मैं. ओके, दे आर सेम टू सेम. द नेक्स्ट कम्स टू द नेक्स्ट पेज, वो कहता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर्स. अब ये प्लेन फिगर्स से मतलब क्या है? प्लेन फिगर्स का मतलब है कि एक जगह पर आप जो बना सकते हैं, जैसे कि आपने दीवार पे बनाई है, वो दीवार पे है, प्लेन है, ठीक है. अगर आप उसको मतलब एक तो प्लेन फिगर हो गई, एक 3D फिगर हो गई. मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना 3D पेंटिंग और नॉर्मल पेंटिंग, हाँ जस्ट लाइक दैट. तो वो बनती तो हमारे इधर ही है, दीवार पे या फिर बोर्ड पे या कॉपी पे. तो प्लेन हुआ जो, इसलिए हम उस प्लेन फिगर्स में आ गए. अब उसमें जो फिगर बनेगी, जैसी भी फिगर आप बनाओ, वट एवर काइंड ऑफ द फिगर, अगर आपने तो उसकी एग्जैक्ट सेम टू सेम बना ली तो वो उसकी कॉन्ग्रुएंट है. अगर आपने साइज में छोटी कर दी तो वो सिमिलर है. एग्जैक्ट सेम तो बनाई बट साइज छोटी कर दी तो वो क्या है, सिमिलर है. ओके, नाउ फर्स्ट एवर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लिखना है जिन बच्चों को, लिखना, राइट डाउन करना. ओके, पहला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका सबसे सिंपल मेथड है The measure of two line segments must be same. The LESURE bracket में length of two line segments or more must be same. दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स जो होंगी हमारी, वो कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब उनका मेजरमेंट जब उनको नापते हैं ना हम, चाहे किसमें भी नापें, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जिसमें भी नापें, इंचेस, फुट, जिसमें भी नापोगे आप, वो सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल किसी ने कहा मैं तो एसी लाइन बना रहा हूँ, ये 6 सेंटीमीटर की है. उसी के दोस्त ने कहा मैंने भी एसी बनाई, वो भी 6 सेंटीमीटर की है. किसी ने कहा मैंने तो दूसरी लाइन बनाई है जो नीचे जा रही है, लेकिन वो भी 6 सेंटीमीटर की है. किसी ने कहा मैंने तो आड़ी बनाई है, वो 6 सेंटीमीटर की है. किसी ने कहा मैंने तो खड़ी वर्टिकल बनाई है, वो 6 सेंटीमीटर है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5. सोचो जरा, थिंक अबाउट इट, क्या लगता है आपको आंसर? अच्छा चलो दे दिया, मुझे पता है तुमने आंसर दे दिया. सभी ने जवाब दिया होगा ये दोनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट हैं, बाकी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. जी हाँ, इन दोनों के साथ साथ ये सब भी कॉन्ग्रुएंट हैं. क्यों? क्योंकि इनका मेजरमेंट सेम है.
ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर इनमें एक भी लाइन 5 सेंटीमीटर की होती या 5.9 की भी होती तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? सो ये दिमाग में उतार लो। फिगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन जो जिस रेस्पेक्ट में उनको कॉन्ग्रुएंस होना है वो रेस्पेक्ट सेम है तो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी ही होगी। Nobody can stop that in having the congruency for that. Okay? Now, अब अगला टॉपिक है मैं बताने जा रहा हूँ, वो है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। Now, we are going to study the congruency of angles. Angles के congruency के लिए the measure in degree of two or more angles must be same or equal. दो angles अगर congruent होने हैं, तो उनका measurement जो degree में होता है, must be same होना चाहिए, same या फिर equal होना चाहिए। यहाँ एक मैं condition बता देता हूँ, आपको ये इकलौता एक ऐसा obsession है, इकलौता एक ऐसा प्रॉब्लम वाली बात है, जहाँ प्रॉब्लम वाली क्या इकलौता बात कह सकते हैं, जहाँ पर साइज मैटर नहीं करती। इट मींस अगर आपका एंगल बड़ा हो या छोटा हो, अगर उसकी डिग्री का मेजरमेंट सेम है, ठीक है, साइज में बड़ा या छोटा हो, बट अगर डिग्री का मेजरमेंट सेम है तो वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। दैट मींस यहाँ पर ये अब ये बोलने से काम नहीं चलेगा। नाम बोलो, एंगल ए बी सी, एंगल पी क्यू आर, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल डी ई एफ, एंगल एस टी यू, ये सब के सब क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ये सब तो इतने बड़े 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 बड़े, और ये बेचारे दोनों छोटे छोटे। सर आपने तो स्टार्टिंग में कहा था साइज का तो मैटर ही नहीं होता, मतलब साइज से तो सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट होता ही नहीं है। तो बेटा ये एक्सेप्शनल है कि एंगल्स में सिर्फ डिग्री देखी जाती है। ओके, वी वांट सी द साइज इन केस ऑफ एंगल्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ वन रीजन दैट आई नो, जितना मुझे पता है उसका रीजन ये है कि एंगल्स में एरो होते हैं। एरो का मतलब ये रे बढ़ाई भी जा सकती है, छोटी भी की जा सकती है। अगर छोटे एंगल की रे को मैं बढ़ा सकता हूँ तो अपने आप वो किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। दैट्स वाई एंगल्स ओनली इन ओनली सेपरेट एंगल्स, अलग अलग एंगल्स दिए होंगे तब। अगर ये एंगल्स किसी के साथ कॉम्बिनेशन करके एक फिगर बनाते हैं तो फिर उस फिगर की बात आ जाएगी, तब वो एंगल्स नहीं रहेंगे। ठीक है, नाउ हियर द एंगल्स आर सेपरेट, ये एंगल्स अलग अलग हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एरोज हैं, ये छोटे बड़े हो सकते हैं और इनका मेजरमेंट सेम है। अगर इनमें से किसी एक का भी मेजरमेंट अलग होता तो मैं कहता कि ये वाला एंगल, मतलब पी क्यू आर एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनका मेजरमेंट अलग अलग है। आई बात समझ में? इट्स ऑल क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? द मिक्सिंग ऑफ दीज टू टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड। अगली चीज है हमारी वो जो हमने अभी तक दोनों टॉपिक पढ़े उनको मिक्स करके जो पढ़ने जा रहे हैं वो। इट मीन्स इट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर। इसका मतलब अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैप्टर के बारे में, congruency of triangles. Okay? Now, let's study. Triangle के बारे में लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, triangle में कितने respects होते हैं, कितनी चीजें होती है जो हमें देखनी पड़ती है कि दोनों triangle में होना चाहिए। Both the triangle, first triangle and second triangle. दो triangles को हमें congruent करना है तो क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप एक triangle के अंदर देखो आप कितनी चीजें ढूंढ सकते हो उसके अंदर। How many things are there? मैंने एक ट्राइंगल बनाया नॉर्मली, इसके अंदर मुझे वर्टेक्स मिली, कितनी होती है? 3। कौन कौन सी है वो? ए बी एंड सी। साइड्स मिली मुझे,
ये भी कितनी होती हैं, तीन। कौन कौन सी हैं, ए बी बी सी एंड सी ए, ठीक है। एंगल्स मिले, ये भी कितने होते हैं, तीन। कौन कौन से, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी। अभी तो मैंने शॉर्ट लेंस लिखे हैं, इनके फुल लेंस भी हम लिख सकते हैं। सो व्हाट, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स वी आर सीइंग इन द ट्रायंगल, कितने एस्पेक्ट्स हैं इस ट्रायंगल के अंदर, देखने वाला कहेगा नाइन। क्यों, थ्री इसके थ्री इसके थ्री इसके, एक तरह से वो सही भी है, हो सकता है सही है डेफिनेटली, बट ट्राइंगल्स में यार वर्टेक्स तो कभी मेजर की नहीं जाती, नेवर एवर, नोबडी मेजर द वर्टेक्स। जो मेजरेबल थिंग्स है वो साइड और एंगल है। तो इस तरह से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी साइड्स और उसके एंगल्स एग्जैक्टली सेम है या नहीं। तो द सिक्स रेस्पेक्ट्स आर देयर, छह रेस्पेक्ट्स हैं अभी तक हमारे पास, सिक्स थिंग्स। अगर ये छह रेस्पेक्ट एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के छह रेस्पेक्ट्स के साथ सेम टू सेम मिल जाते हैं तब हम कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये छह रेस्पेक्ट एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के छह रेस्पेक्ट से नहीं मिलते तो फिर वो ट्राइंगल्स आपस में क्या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब एक बात तो सुनिए बेटा, हमेशा ही हमें सिक्स रेस्पेक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन है, आगे मैथमेटिशियंस ने कुछ प्रॉपर्टीज बनाई। वो प्रॉपर्टीज ये थी कि ट्राइंगल्स को छह रेस्पेक्ट ढूंढना हमेशा प्रॉब्लमेटिक है, तो उन्होंने तीन कंडीशंस ढूंढो। वो तीन कंडीशंस कौन सी है मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद आपको बताऊंगा। अभी तो आपको एक ट्राइंगल की छह चीजें दूसरे ट्राइंगल की छह चीजों के बारे में बराबर बतानी पड़ेगी, जब जाके एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, तो ये था हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। यस, आज का टॉपिक यहीं तक, फिर आगे हम कल मिलेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। सो कल हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 7.1। ओके चिल्ड्रंस, गुड बाय।